वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और देखिए दोस्तों, आज मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे हम जो है वो डेनियम के सीड्स ग्रो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपने देखी ज़रूर होगी आपके सीडलिंग्स में भी, लेकिन आपको पता नहीं होगा ये क्या है। आप देखिए, ये सीडलिंग्स में आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अगर आपको पता है ये क्या है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं आगे आपको जो है सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके एडेनियम के जो सीड्स है वो आप ग्रो करोगे तो तब उसमें कुछ सीड्स यानी कि बहुत कम मात्रा में ऐसे सीडलिंग्स भी ग्रो हुए होंगे जो कि पूरी तरह से सफ़ेद कलर में होंगे या फिर थोड़ा बहुत येलो कलर के होंगे। देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे सभी, देखिए इस तरह को। तो इस सीडलिंग्स को जो है हम आल्बिनो कहते हैं। ये आल्बिनो क्या होगा, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों, आल्बिनो जो है एक तरह का प्लांट में म्यूटेशन है, एक तरह का डिजीज़ है। ये हर प्लांट में दिखाई देगा और कई बार इंसानों में भी दिखाई देता है, लेकिन आज हम जो है प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करेंगे। तो आल्बिनो क्या होगा, ये आपका सबसे मेन क्वेश्चन होगा, और इसको क्या करना है बाद में वो सब भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो देखिए, आल्बिनो जो है वो दोस्तों वो प्लांट का एक तरह का डिजीज़ है। प्लांट में आपको पता ही होगा कि क्लोरोफिल होता है, जो हमारी सनलाइट होती है उसको कैप्चर करके उसको प्लांट की एनर्जी में यानी कि फूड में कन्वर्ट करता है। तो कई प्लांट में कुछ म्यूटेशन की वजह से जो है ये क्लोरोफिल नहीं होता, तो उस वजह से जो है वो प्लांट में इस तरह का आल्बिनो प्लांट पैदा होता है। अब क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के हरे कलर के लिए भी होता है, उसी की वजह से प्लांट का कलर हरा होता है। तो जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो प्लांट जो है वो अपना हरा कलर पकड़ेगा नहीं, तो इसी वजह से प्लांट जो है वो सफ़ेद कलर का या फिर लाइट येलो कलर का दिखाई देगा। और क्लोरोफिल जैसे आपको पता है कि वो सनलाइट को प्लांट के फूड में कन्वर्ट करता है। तो होता क्या है कि जब क्लोरोफिल ही एब्सेंट होगा तो प्लांट जो है वो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा और उसको फूड में कन्वर्ट भी नहीं होगा, तो उस वजह से प्लांट में फूड बनेगा नहीं। तो ये जो आल्बिनो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बना नहीं पाएंगे, इस वजह से ये बहुत जल्द ही मर जाएंगे। हाँ, आपको एक डेढ़ महीने तक दिखाई देंगे, लेकिन वो धीरे धीरे जो है वो अपना जो फूड स्टोरेज होगा वो ख़त्म होगा, वैसे वैसे वो मर जाएंगे। तो देखिए, ये सारे सीडलिंग्स जो है वो मैं वहाँ से उठाकर घर पे ले आया हूँ, क्योंकि मेरा घर दूर था इसलिए मैं वहाँ इस पर कोई प्रोसेस नहीं कर सकता था। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम इस आल्बिनो का करें क्या। तो आपको पता है इसमें फूल तो बनता नहीं, तो आप इसको ज़िंदा रख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो है लैब में एक्सटर्नली फूड देना होगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो दूसरा आप ये कर सकते हो कि इसको जो है वो ग्राफ्ट कर दीजिए। अब जो ये सारे सीडलिंग्स है इसके ऊपर जो हम नॉर्मल सीडलिंग्स हमारे ग्रो हुए होंगे उसका साइन लेके ग्राफ कर देंगे, तो उनमें फूड जो है वो एनर्जी सनलाइट की जो है वो फूड में ज़रूर कन्वर्ट होगी और वो जो है वो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो प्रोड्यूस कर लेगा। तो इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन इसको ग्राफ करना भी काफ़ी मुश्किल है। इतने छोटे से सीडलिंग्स में सिर्फ हम माइक्रोग्राफ्टिंग कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल तो देखिए, अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम इतनी मेहनत क्यों करें एक छोटे से सीडलिंग्स के पीछे, इतने सारे तो है। तो देखिए, आप इस छोटे से सीडलिंग्स को हल्के में मत लीजिए, आप इसको ग्राफ करके देखिए, इस तरह के ब्यूटीफुल से प्लांट बना सकते हो। देखिए, इसका जो रूट स्टॉक होगा ग्राफ्टिंग का, वो हमेशा के लिए इस तरह का गोल्डन रहेगा, तो आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छा लुक देगा, यह परमानेंट रहेगा। जब जब प्लांट आपका बड़ा होता जाएगा तो इसका जो शेप और कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल सा होगा, तो आप फ्यूचर के लिए इसको ग्राफ कीजिए। फ्यूचर में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट बनेगा। जब आप इसको 3-4 साल बाद देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हमने इतनी मेहनत की, वो हमारी विफल नहीं गई है। से ये सारे निकल के ले आया, क्योंकि मैं वहाँ पे ग्राफ कर नहीं पाऊँगा, घर उसका दूर है तो हर रोज़ वहाँ जा नहीं पाऊँगा, तो मैं वहाँ से निकाल के इसको मेरे घर पे ले आया। अब इसको जो है मैं इस ट्रे में लगा दूँगा और इसमें जो है वो 10 दिन रहने दूँगा, उसके बाद इसको जो है वो मैं ग्राफ करूँगा, तो उसका वीडियो मैं अलग बनाऊँगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, मैं इसको इस ट्रे में लगा देता हूँ। देखिए, आपके घर पे इस तरह का सीडलिंग्स ग्रो हुआ तो इसको आपको निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप इसको उसी पोट में रहने दीजिए और उसको ग्राफ कर दीजिए। मैं तो जैसा आपको बताया कि फ्रेंड के घर से निकाल के लाया हूँ, इसलिए मुझे इसको अभी रिपोर्ट करना होगा। और दूसरी बात यह कि ये अल्बिनो होते क्यों है, मतलब किस वजह से होते हैं। तो देखिए, इसका कोई मुझे तो ज़्यादा पता है नहीं, वैसे तो काफ़ी रिसर्च इस पर हुआ है लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, देखिए ये जो सारे सीड्स आपने अभी आगे देखे वो मैंने ही उसको दिए थे मेरे प्लांट से, क्योंकि मेरे यहाँ इतने सारे प्लांट लगाने का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने फ्रेंड को दे दिया और कुछ जो आधे थे मैंने भी लगाए थे। तो हुआ क्या कि मेरे यहाँ मैंने जो सीड्स लगाए उसमें से मुझे एक भी इस तरह का अल्बिनो नहीं मिला, लेकिन मेरे फ्रेंड के यहाँ आप देखिए कितने सारे अल्बिनो निकला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और मेरे फ्रेंड का जो हो सोइल मीडिया अलग अलग था, दोनों के सोइल मीडिया में डिफरेंस था, और दूसरा दोनों का वेदर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोइल मीडिया डिफरेंट होने की वजह से भी इस तरह के प्लांट बने होंगे, क्योंकि सीड जो थे वो सेम ही प्लांट से थे और एक ही बैच के थे, फिर भी मेरे यहाँ एक भी नहीं निकला। ऐसा नहीं कि एक निकला होगा, एक भी नहीं निकला, और फ्रेंड के यहाँ इतने निकले। तो हो सकता है कि ये सोइल की वजह से भी बने होंगे इस तरह के। और क्या रीज़न दूसरे है वो तो मुझे पता नहीं, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो कहा जाता है कि म्यूटेशन से या फिर डीएनए के चेंज से ऐसा होता है। वो जो भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। फिलहाल तो चलिए दोस्तों, हम जो है इसको ट्रे में लगा देते हैं। तो ये देखिए सारे सीडलिंग्स जो है वो ट्रे में मैं एक एक करके लगा दूंगा। अब बात आती है इसको हमें रखना कैसे है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ अल्बिनो निकला है तो आप उस पॉट को जो है डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे अंधेरा हो, मतलब थोड़ी बहुत ही सनलाइट हो। ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट गिरेगी तो ये अपने आप मर जाएंगे। तो आप उसको जो है वो थोड़े बहुत अंधेरे वाली जगह पर रखिए ताकि इसकी जो सूरज की तेज़ रोशनी उस पर ना गिरे। उसके बाद देखिए ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। देखिए इसमें पत्ते तो नए आएंगे नहीं, हाँ आएंगे छोटे छोटे, एक दो पत्ते ज़रूर आएंगे, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम देखिए एक या डेढ़ महीना ही सर्वाइव कर पाएगा। तो उस आपको करना क्या है, इसके ऊपर जो नॉर्मल ग्राफ है वो कर देना है, वो मैं आपको जो है वो बता दूंगा। अब ग्राफ करने का फ़ायदा क्या है, तो देखिए आपको मैं कुछ प्लांट दिखा देता हूँ जो आप वीडियो में देखिएगा। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। ये प्लांट आप देखिए, इसका जो नीचे का पार्ट है रूट का वो देखिए गोल्डन कलर का है। तो ये अल्बिनो पे ग्राफ किया हुआ है। अल्बिनो का जो रूट होता है वो हमेशा के लिए गोल्डन ही रहेगा इस तरह का, इसलिए देखिए आप इस तरह का ब्यूटीफुल सा प्लांट बना सकते हो। तो इसी वजह से हम जो है वो ग्राफ करते हैं। तो आप भी अगर आपके पास ये प्लांट है, देखिए आपको फर्स्ट ट्राई में सक्सेस नहीं मिलेगा, आप कुछ वक्त तक प्रैक्टिस करोगे तभी जाके माइक्रोग्राफ्टिंग में सक्सेस मिलेगा। उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उस पर। तो आपके पास अगर इस तरह का सीडलिंग्स निकला है तो आप उसकी जो है वो ग्राफ्टिंग करके इस तरह का ब्यूटीफुल सा प्लांट बना सकते हो। फिलहाल देखिए मैंने सारे सीडलिंग्स जो है वो लगा दिए है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कभी ऐसा सीडलिंग्स निकला है क्या, और उसका आपने क्या किया वो भी मुझे बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और जो है वो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आजकल जो लाइक है बहुत कम मिल रही है, वीडियो हमारा सब लोग देखते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं। तो देखिए उसका कोई चार्ज होता नहीं, आप एक लाइक कर देंगे तो वीडियो की रीच बढ़ जाएगी। ये देखिए सारे सीडलिंग्स जो है वो हम मैंने लगा दिए, अभी दो दिन हो गए हैं, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। देखिए ये सारे सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने होंगे मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा सर्वाइव करने की, क्योंकि देखिए इसको मैंने बहुत छोटी सी उम्र में उठा के यहाँ पे रिपोर्ट किया है, तो चांस बहुत कम है। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, मैं वहाँ जाके ग्राफ कर नहीं सकता था और वहाँ से मुझे लाना ही था, इसलिए मैं उसको निकल के ले आया। आपके पास देखिए मैंने बताया उस तरह अगर निकला तो उसको इस छोटी उम्र में रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जहाँ पे है वहीं पे ग्राफ कर दीजिए, और एक बार अगर ग्राफ सक्सेस हो गया तो उसके बाद आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताइए। देखिए ये